हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हरे मूंग दाल की सब्ज़ी। आप सोच रहे होंगे कि हरे दाल मूंग की कैसी सब्ज़ी बनेगी, तो चलिए आज हम वीडियो में यही बताने वाले हैं हरे मूंग दाल की सब्ज़ी कैसे बनती है। अगर इस तरीके की एक बार सब्ज़ी बना करके अपने फैमिली में शेयर करेंगे तो बार बार आप बनाने वाले हैं, इतना ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इधर में सभी सब्जियों का छिलका निकाल करके मैंने वाश कर लिया है। दो मैंने प्याज लिया है, दो टमाटो और दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा और दो गांठ मैंने लहसुन लिया है, उनको भी अच्छे से मैंने छिलका निकाल करके वाश कर लिया है, हरे धनिए के पत्ते। और इधर मैंने मूंग दाल को अच्छे से मैंने 4 घंटा भिगो के मैंने पानी में रखा था, उसका अच्छे से उसका छिलका मैंने निकाल लिया है। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं इसका छिलका, बहुत ज़्यादा पानी लगता है निकालने में लेकिन। तो चलिए सभी सब्जियों को मैं काट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इधर मैं सभी सब्जियों को काट ली हूँ, तो हमें प्याज और टमाटो और लहसुन मिर्चा को पीस लेना है। तो चलिए हम मिक्सर जार लेते हैं और उसमें हम सभी सब्जियों को बारी बारी से हम डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। इधर मैंने मिक्सर जार ले लिया है, लहसुन और मिर्ची को डालते हैं सबसे पहले। और मैंने थोड़ा सा मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, उन्हें भी डाल देते हैं। और साथ ही में प्याज जो मैंने दो काटे थे, दोनों प्याज को हमें पीस लेना है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो पानी मैंने आधा कप डाला है क्योंकि गाढ़े हो जाएंगे पीसते टाइम, इसलिए मैं आधा कप पानी डाल के मैंने पीस लिया है। तो साथ ही में मैंने अदरक डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अदरक डाल के अभी ढक्कन खोल के मैंने फिर से उसमें पीस लिया है अदरक को भी। तो अब मैं इसे पीस करके एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। अब मैं उसी जार में टमाटो को भी पीस लेते हैं। तो टमाटो मैंने दोनों लिया है, जो तो टमाटो मैंने लिया था उसे मैं बारीकी काट के पीस रही हूँ। तो कोई भी चीज़ आप ग्राइंड करते हैं तो आप काट के ही सब्जियों को ग्राइंड करें, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें, अच्छे से आपका प्यूरी बन जाए। तो हमारा दोनों प्यूरी तैयार है। तो अब हम इसी जार में हम दाल जो मैंने भिगो के रखा था उसे भी हम पीस लेते हैं। तो दाल भी बहुत ही आसानी से पीस जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं और ज़्यादा पानी नहीं लगता है, बस थोड़ा थोड़ा डाल के पानी हमें पीस लेना है। सभी दाल को हम पीस लेते हैं। तो चलिए हम फिर से पानी डाल देते हैं, आधा कप से भी मैंने पानी कम डाला है। तो इधर मैंने कढ़ाई एक ले लिया है, उसे हम गर्म करने के लिए रख दिए थे और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। उसी गर्म कढ़ाई में मैं इसमें पीस पीस के जल्दी जल्दी में डालती जा रही हूँ। तो मैं इसमें जो मैंने आधा लहसुन और एक मिर्ची बचा के रखा था उसे भी हम दाल के साथ पीस लेते हैं। एक तो मैंने ग्रेवी के लिए मैंने पीसा था लहसुन मिर्ची अदरक को, और ये जो है पकौड़े के लिए मैंने साथ में लहसुन मिर्ची डाल के पीसा है। तो सभी बैटर को मैंने पीस के दाल को कढ़ाई में मैं ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ ऑयल में, ताकि कढ़ाई में चिपके ना। और भी जो बच्चे थे हमारे दाल, उसे भी मैंने पीस लिया है। तो 3 बार मैंने कर करके पीस लिया है सभी दाल को। तो अब हमारा सब दाल पीस चुका है, अब इसे हम पकाते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो हाई फ्लेम नहीं रखना है आपको, मीडियम टू हाई रखना है। तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक, ये सब डालेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने मसाला डाला है, गरम मसाले। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से इसे पकने देते हैं, बराबर इसे चलाते रहना है। बहुत ही तेज़ी से ये पकड़ने लगते हैं, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी रेस्ट ना दें, बराबर इसे चलाते रहें। तो पानी आपको थोड़ा थोड़ा डाल के ही दाल को पीस लेना है। तो आप पानी ज़रूर से डाल के थोड़ा थोड़ा पीस लें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है, एक डो के जैसे ये हो गया है। तो हम गैस को बंद कर दिए हैं और एक थाली लेते हैं और उसमें ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है और इसे ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने ग्रीस कर लिया है, उसके बाद से मैंने जो दाल थे उसे हम सेट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे, गर्मा गर्म मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है थाली में। तो इसे देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने थाली में अच्छे से दबा दबा के सेट कर ली हूँ।
तो इसे हम आधा घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। आधा घंटे में ठंडे हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से सेट हो जाते हैं, तो इसे हम कट करेंगे। तो चलिए छोड़ देते हैं तब तक ठंडा होने के लिए। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए ठंडे हो चुके हैं, तो इसे मैंने बर्फ़ी के शेप में इसे कट कर लिया है। अब इसे हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए निकाल रहे हैं, बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा येलो कलर आया है। तो थाली में बिल्कुल भी नहीं लगा है, ऑयल लगाए हैं हम, इसलिए बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है और बहुत ही कड़क हो गए हैं ठंडा होने के बाद। टूटने का बिल्कुल भी इसमें डर नहीं रहता है, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो हम सभी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। इसे आप चाहें तो बेसन के साथ भी बना सकते हैं, तो हम मूंग दाल से, मैंने आपको बताया है, अगर आपके घर में बेसन नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम मसाला सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। तो इधर मैंने तड़के के लिए मैंने एक तेज़पत्ते मैंने लिए थे और जीरा और मेथी मैंने लिया है तड़के के लिए। और इधर मैंने मसाला लिया है जो कि मिक्स मसाला है, इसमें सब कुछ धनिया पाउडर इलायची सब मैंने पीस रखा है। और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मैंने भर के दही लिया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैं रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और तड़का लगाते हैं जीरा और मेथी से, और साथ में डाल देते हैं एक तेज़पत्ते। इसे 2 मिनट तक तड़कने देते हैं। तो अब साथ में जो मैंने प्याज और मूंगफली के साथ मैंने प्यूरी जो बनाया था उसे भी हम डाल करके पका लेते हैं। तो गैस को आप फास्ट ना रखें, बहुत ही जल्दी से चिपकने लगेंगे, प्याज आपका जल जाएगा, तो इसलिए आप मीडियम टू हाई फ्लेम रखें। तो चलिए जब तक हमारा ये प्याज पक रहा है तब तक हम दूसरी गैस पे हम फ्राई कर लेते हैं पकौड़े जो बनाए थे तवे पे। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है और एक एक करके हम डाल देते हैं सभी पकौड़े को और इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी लगने लगेगा और भी। सभी पकौड़े को मैंने रख दिया है और इसे तब तक हम पकने देते हैं। तब तक मैं देख लेती हूँ प्याज को, प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इसे भी हम एक बार चला लेते हैं और इसमें हम मसाला डालने वाले हैं फिर। तो चलिए हम इसमें मसाला डाल देते हैं, जो मैंने मसाला लिया था 2 टेबल स्पून उसे डाल दिए हैं, और हल्दी पाउडर डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, और 2 चम्मच मैंने दही जो लिए थे उसे भी हम डाल देते हैं। तो दही बहुत ही अच्छा होता है डालना सब्ज़ी में, अगर आप सब्ज़ी में डाल के बना रहे हैं तो आपकी सब्ज़ी क्रीमी थोड़ा सा लगने लगती है दही डालने से, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें हम डाल देते हैं फिर से टमाटो। तो टमाटो प्यूरी भी जो है उसे भी हम पका लेते हैं मसाले के साथ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 2 मिनट तक पका लेते हैं मसालों के साथ टमाटो को भी। फिर से अब चलते हैं इधर देख लेते हैं हमारे पकौड़े एक साइड से पक चुके हैं कि नहीं। तो ये देखिए पक चुके हैं, हमने सभी पकौड़ों को पलटी कर लेते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो दोनों साइड से हम सेक लेते हैं इसे, और ऊपर से भी हम ऑयल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। तो सभी पकौड़ों को मैंने पलटी कर लिया है, ऊपर से मैंने तेल लगा दिया है ये देखिए। तो इसे भी हम 2 मिनट तक छोड़ देते हैं। तो मैंने दोनों चूल्हे पे दोनों साइड दोनों रेसिपी मैंने पका रखी है। तो एक साइड मैंने पकौड़े को फ्राई कर रहे हैं और एक साइड मैंने कढ़ाई में ग्रेवी बनने के लिए रखा है। तो चलिए अब फिर से ग्रेवी को देख लेते हैं। तो मसालों में से बहुत ही अच्छे से ये तेल रिलीज होने लगा है, तेल छोड़ने लगा है। तो हम इसे एक बार जला लेते हैं। फिर हम बारीक कटा हुआ हरे धनिया के मैं पत्ते डालूँगी, उसे भी हम इसके साथ पकने देंगे 1 मिनट तक।
तो चलिए हरा धनिया के पत्ते हम इसमें डाल देते हैं। हरा धनिया को भी थोड़ा सा पका लेते हैं, इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हरे धनिया के पत्ते से। तो मैंने हरा धनिया को मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है ऊपर से गार्निश करने के लिए, पूरा मैंने नहीं डाला है। तो अब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए उबाल आने लगा है, थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है ऊपर से। तो इसमें हम डाल रहे हैं पानी, जो कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं पानी जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो अभी मैंने बड़े गिलास से मैंने एक गिलास पानी डाला है। पानी को हम मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ, फिर से हम एक गिलास इसमें और पानी डालने वाले हैं। तो चलिए फिर से मैं एक गिलास पानी डाल दी, हमारा दो गिलास पानी ग्रेवी में पड़ चुका है। तो इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है ग्रेवी का, हमारा ग्रेवी बन करके बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुका है। तो इसे हम ढक करके 2 मिनट तक उबाल आने देंगे, फिर से हम इसमें डालेंगे पकौड़े जो मैंने फ्राई करके रखे हैं। तो चलिए पकौड़े को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए दोनों तरफ से पकौड़े हमारे सिक चुके हैं, तो इसे मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा क्रंची हमारा पकौड़ा बन करके तैयार है। तो अब मैं इस पकौड़े को आपको मैं हाथों से दिखा देती हूँ कितना क्रंची, कितना स्वादिष्ट टेस्टी हमारा पकौड़े बना है। तो चलिए प्लेट में निकाल लिया है ये देखिए। तो पकौड़े को अब ग्रेवी में हम डालेंगे। तो ग्रेवी में मैं पूरा नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में इस तरीके से भी पकौड़े ऐसे खाने के साथ भी सूखा पकौड़े पसंद करते हैं खाना। तो मैंने आधा पकौड़े को रख दिया है डालने के लिए और आधा पकौड़े को सूखा खाने के लिए रख दिया है। तो सूखा खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये पकौड़े। तो मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, आधा मैं पकौड़े को डाल देती हूँ। तो 5 मिनट हम इसे पकौड़े डालने के बाद हम इसे ढक करके पका लेंगे, ताकि अच्छे से जो पकौड़े हैं वो नरम हो जाएं और एक जब कर लें उसमें जो ग्रेवी है। तो चलिए इसे ढक देते हैं, फिर पकने देते हैं 5 मिनट के लिए। तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ढक्कन हटा दिया है, सब्जी हमारी बन करके तैयार है। तो हम ऊपर से अब गार्निश कर देते हैं हरे धनिया के पत्ते से, जो मैंने बचा करके पहले रखा था हरे धनिया के पत्ते। तो आपको मैं अब निकाल के दिखाती हूँ कितना टेस्टी मज़ेदार से बना है हमारे सब्जी। तो ये देखिए कितना टेस्टी, कितना कलरफुल, कितना सुंदर दिख रहा है हमारा ये पकौड़ा। तो इसे आप एक बार बना के खा लिए तो इसके आगे जो चिकन मटन आप खाते हैं उसे आप भूल जाएंगे, बार बार ये सब्ज़ी बना करके खाने लगेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी होती है कि। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं एक कटोरी में और आपको मैं दिखाती हूँ इसे कट करके कितना ये नरम हो चुके हैं हमारे पकौड़े। तो ये देखिए कट करके आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ही नरम हो चुका है ग्रेवी में डालने के बाद हमारा ये पकौड़ा, और बहुत ही टेस्टी ये पकौड़ा लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सूखा पकौड़ा भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे आप रोटी के साथ, राइस के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।